हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, ये क्लास 11 का चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि एक अर्गन प्लेन है और दूसरा पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ये तो हम जानते हैं, क्योंकि अगर किसी को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं मालूम है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वहां से देखें कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें ए रियल पार्ट है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि रियल जेड इज इक्वल टू ए, और आयोटा बी इमेजिनरी जेड इज इक्वल टू आयोटा बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी या एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा बाई, ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। या क्या हमने लिख लिया कि 2 माइनस 3 आयोटा या 2 प्लस 3 आयोटा या -2 प्लस 3 आयोटा या -2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सिर्फ आयोटा भी लिखा जा सकता है। आयोटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 प्लस आयोटा हो सकता है। ठीक है, तो 0 इज रियल नंबर, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। आयोटा की वैल्यू भी बता चुके हैं। तो बच्चों हमने क्या करना है कि इस यहाँ पर सीखना है कि अर्गंड प्लेन क्या होता है, अर्गंड प्लेन क्या होता है। तो देखो, जैसे हम क्या पढ़ते रहे हैं, एक कार्टेशियन प्लेन पढ़ते रहे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स बार है और ये वाई बार है। यहाँ पर क्या होता है कि 0 0 होता है। तो बच्चों कुछ भी नया नहीं है अर्गंड प्लेन में, मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है उसमें और इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्या माइनर सा डिफरेंस है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, मान लो कि एक पॉइंट हमने प्लॉट किया कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें दोनों प्लस प्लस के आया करते हैं, इसमें माइनस प्लस का आता है, इसमें माइनस और माइनस का आता है, इसमें प्लस और माइनस का आता है। तो ये बात तो हम बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। सपोज करो कि मैंने ये नंबर लिया, कौन सा नंबर लिया, 2 प्लस 3 आयोटा। 2 रियल पार्ट है और 3 आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें 3 एक रियल नंबर है। तो 2 और प्लस का 3, आयोटा को भूल जाइए आप, 2 प्लस यानी 2 और प्लस का 3 यानी दोनों प्लस के हो गए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 2 और प्लस का 3 यानी 2 और 3। ठीक है, अब आप बहुत आसानी से कह देंगे कि सर 2 और 3 इसमें कहीं आएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इधर एक अर्गंड प्लेन भी बना लिया, और वो अर्गंड प्लेन क्या बनाया इस तरीके से, जहां पर ये एक्स एक्सिस थे, मैंने इसमें जो एक्सिस होगी हमारी उसको मैंने क्या लिख लिया कि रियल जेड एक्सिस लिख लिया, और ये जो बाई एक्सिस है इसको हमने क्या लिख दिया, इमेजिनरी जेड एक्सिस लिख दिया। अब जो भी कोऑर्डिनेट मैं यहां पर पुट करूंगा वो जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसी क्वाड्रेंट को मैं इसके उस क्वाड्रेंट में एसोसिएट करूंगा जिसमें कि इसमें था। जैसे जैसे मैंने पहले ये बताया कि 2 प्लस 3 आयोटा, तो मान लिया कि 2 प्लस 3 आयोटा यानी 2 और 3 यहाँ आ गया, और जब हम इसमें प्लॉट करेंगे तो नथिंग इज न्यू, हम किसी नंबर को नहीं प्लॉट करते, क्वाड्रेंट को प्लॉट करते हैं। तो इससे क्या कोऑर्डिनेट बनेगा, 2 और 3 बनेगा। लेकिन जब मैंने ये रिप्रेजेंट कर रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने उसको क्यों ऐसा लिखा हुआ, यानी ये किसके लिए है, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है।
भाई यहाँ तो रियल जेड और इमेजिनरी बाई इमेजिनरी नहीं लिख रखा, तो यहाँ जो पुट किया वो तो एक कोऑर्डिनेट हो गया कार्टेजियन प्लेन के लिए हो गया, और यहाँ जब मैं पुट करूंगा तो वो किसके लिए होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होगा। कब होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, जब एक्सिस मैंने इस तरीके से मेंशन कर रखी है तब। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है कि 2+3 आयोटा, तो मान लिया कि 1 यहाँ 2 यहाँ पर और 1 2 3 इसमें भी इसी तरीके से लग, तो लगभग ये आ गया 2 और 3। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट इस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पर था सेम क्वाड्रेंट में वो इस प्लेन में भी जो है एसोसिएटेड है। अगर मुझे से ये लिखा हुआ 2-3 कहाँ आएगा, इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब इस वाले क्वाड्रेंट से एसोसिएटेड हमारा ये वाला क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये वाली वैल्यू कहाँ आ जाएगी, 2 और -3 कहीं यहाँ आ जाएगा 2 और -3। लेकिन जब मैंने ये एक्सिस लिख रखी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्टेशियन को कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे एसोसिएटेड है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या लिखा हुआ, -2 और 3 है होता, इधर कहीं आ जाएगा -2 और 3 है, ये आ जाएगा। ठीक है ना, -2 -3 हम कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों कोई सा भी नंबर इस प्लेन में जिसकी कि एक्स एक्सिस की जगह पर रियल जेड है और इमेजिनरी वाई एक्सिस की जगह पर इमेजिनरी जेड, तो इसके अंदर जब हमने कोई पॉइंट प्लॉट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि जिस प्लेन में आपने उस पॉइंट को प्लॉट किया है उस प्लेन का नाम क्या होता है, अर्गंड प्लेन हुआ करता है। बात आई होगी समझ में, मतलब जब एक्स और वाई एक्सिस को, अब एक्स ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, मैंने यहाँ क्या लिख दिया रियल जेड और यहाँ क्या लिख दिया इमेजिनरी जेड, मतलब साफ हो गया इससे कि ये एक अर्गन प्लेन है, ये क्या है एक अर्गन प्लेन और ये क्या है एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी डिफरेंस नहीं। अब देखो ये कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, जैसे 2+ का -3 तो एक कोऑर्डिनेट 2-3 हो गया, 2+ का -2 और 3 हो गया, +2 -3 हो गया। अब सपोज करो कि जैसे आयोटा लिखा हुआ था तो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, आयोटा की जगह क्या लिख लूंगा, 1 लिख लूंगा, यानी 0 और 1 प्लॉट कर दूंगा। तो 0 और 1 कहाँ प्लॉट होगा कि हमारी इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे होगा ना, 0 और 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के प्लेन को हम क्या कहते हैं, अर्गंड प्लेन कहा करते हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर हुई होगी आपको, आगे चलते हैं। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तरीके से बच्चों इसमें कोई सभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस प्लेन में क्या किया जा सकता है कि पुट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, हमने क्या किया कि एक प्लेन ड्रॉ किया इस तरीके से और इस पर क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया पी एक्स वाई। ठीक है, ये इसका कोऑर्डिनेट 0 0, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको क्या मान लिया, आर मान लिया या ओपी हो गया, ओपी इज इक्वल टू। ठीक है, तो ओपी इज इक्वल टू अब क्या होगा, ये डिस्टेंस फार्मूला था पिछली साल क्लास 10 के, x2 - x1 / 2 - y1, लेकिन जब ओरिजिन से पास हो रहा तो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू हमारा क्या बन, किसके इक्वल आ जाएगा कि √x² + y² तो अब √x² / y² ये लेंथ है, तो हमने क्या लिख लिया कि ये mod of z, यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कब लिख लेंगे, जब हमने इसको रियल z लिख लिया और क्या लिख लिया कि इमेजिनरी z। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो बनेगा, x + y ऐसे ही तो बनेगा, तो ये क्या हो गया, जेड हो गया। तो मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, या यहाँ पर मैंने आर की वैल्यू लिखी थी कि √x² + y² या आर लिख लो, आर इज इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं, हम यहां लिख लेंगे
ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या आएगा कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी यानी मॉड के बराबर होगा। आगे देखते हैं एक और बात कि सपोज करो कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स यानी अर्गन प्लेन है, इस पर एक पॉइंट मैंने लिख लिया x और y, ये पॉइंट क्या है x और y पॉइंट है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज निकालूं, अगर इसकी मैं मिरर इमेज निकालूं तो क्या होगा कि ये एक्सिस हो गई और इस एक्सिस में ये इस तरीके से आएगा, यहां से इस तरीके से डॉट अगर पुट कर दिया, ठीक है, तो आप देखो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस वाले क्वाड्रेंट में कि x और माइनस वाई के बराबर इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये इसकी क्या कहलाती है, मिरर इमेज कहलाती है। आगे की बात करते हैं, फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट। अब हम बात करेंगे बच्चों पोलर रिप्रेजेंटेशन की, यानी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होती है। देखो पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो लिखा हुआ है कि पोलर फॉर्म, यानी क्या लिख लेते हैं कि जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ये पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। किस क्या है, पोलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये निकल करके कहां से आई, कैसे आई, इस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। इसमें बच्चों आर जो होता है वो क्या है कि मॉडुलस है, और थीटा क्या है, एम्पलीट्यूड है या फिर आर्गुमेंट। तो सपोज करो कि हमने एक ये अर्गन प्लेन ड्रॉ किया और इसमें क्या किया कि एक पॉइंट ले लिया P, x और y, ये पॉइंट ले लिया हमने x और y, ठीक है, ये हमें पता है कि r है, ये r के बराबर है। यहां हमने क्या किया कि ये एंगल ले लिया थीटा, और आप यहां से देखें इस तरीके से अगर पुट अप कर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो ये x होता है और ये y होता है। इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो, अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है कि रियल जेड, तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, पहले इसको लिख लेते हैं कि इमेजिनरी जेड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब देखो एक्स डिवाइडेड बाई आर, एक इस वाले ट्रायंगल में एक्स डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा कि बाई बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर है ना, ये थीटा अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर होती, तो बाई इज इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू हम इसमें रिप्लेस कर दें तो जेड इज इक्वल टू हमारा क्या बन जाएगा कि जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। इसमें r और थीटा को हम क्या कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है। अब अभी हम क्या कह रहे थे कि r क्या है, एक मॉडुलस है, क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, तो देखो r क्या है हमारा, मॉडुलस है, मॉडुलस, और थीटा क्या है हमारा, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट। अब देखो एक बात, ये पॉइंट मैं यहां ले आया, फिर यहां ले आया, फिर यहां ले आया, फिर यहां पर पहुंच गया, तो ये थीटा की वैल्यू क्या होगी कि हर बार में बदलती रहेगी, और जब यहां फिर वापस आ जाएगा तो 2π हो जाएगी, तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी थीटा की, हमें वो वैल्यूज सारी नहीं चाहिए, हमें थीटा की एक यूनिक वैल्यू चाहिए, हमें थीटा की वो एक यूनिक वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू वो कहां से कहां तक लाई करेगी कि माइनस पाई से बड़ा होगा थीटा और बराबर होगा या इक्वल टू होगा पाई के, इसको हम क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे या प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट।
और एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जैसे हमें कोई नंबर दे रखा, मान लो कि z इज इक्वल टू, हमने क्या लिख रखा था कि चलो ये लिख रहे आप 1 प्लस 2 आयोटा लिख रखा, हमें पता है कि 1 और 2 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आएंगे, थीटा की वैल्यू हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब हम आपको क्या बता रहे थे कि जैसे कि यहाँ से ऐसे घूम करके 2 पाई तक आ गया, लेकिन हमारा तो यहाँ पे माइनस पाई से पाई ही दे रखा, इसके अलावा दे ही नहीं रखा, 2 पाई का बात ही नहीं यहाँ पर हो रही, क्योंकि मुझे तो एक यूनिक वैल्यू चाहिए थीटा की। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो आप पहले एक बार सुन लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो इसको, जैसे हमने यहां पे और थीटा यहां ले लिया एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में पहुंचे तो थीटा यहां ले लिया, ये आ गया थीटा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, इस वाले में पहुंचे फिर थीटा यहां ले लिया इस तरीके से, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस वाले में पहुंचे तो थीटा यहां पर आ गया एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से, ठीक है। तो हमारी तो प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में आनी चाहिए, माइनस पाई से पाई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें क्या करना है ये बात जानते हैं कि हमने ये ड्रॉ किया, ये पहले वाला क्वाड्रेंट हो गया, यहाँ थीटा थीटा है, ठीक है, यहाँ दूसरे वाले क्वाड्रेंट में पहुंचे इस वाले में बच्चों जब भी हम पहुंचे तो जो थीटा की वैल्यू होगी वो पाई माइनस अल्फा। अब आप पूछोगे कि पाई माइनस अल्फा क्या होगा, अभी बताएंगे कि अल्फा कहां से आ गया। तीसरी बात भाई, ये यहां से यहां तक पूरा पाई है, इसको अल्फा मान लिया तो पाई में से अल्फा माइनस कर दिया तो ये बच जाएगा। तीसरे वाले में जब इसमें पहुंचे बच्चों तो आप यहां से ऐसे घूम करके आओ, और यहां से जब घूम करके आओ तो आप क्या करोगे कि माइनस पाई और माइनस अल्फा, ठीक है, और इसके केस में क्या हो जाएगा कि 2 पाई माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। तो हमेशा इस चीज पर आप क्या करेंगे कि कंसंट्रेट करेंगे और आपको थीटा की यूनिक वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है ना। अब ये अल्फा आया कहां से, ये है देखो मैंने क्या लिखा था कि जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये किसके बराबर हो गया कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ऐसे वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। इनको अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आ गया कि वाई अपान में एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, वाई अपान में एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा के बराबर आ गया। अब देखो कि अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये वाई एक्सिस पर है और ये जेड एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर और ये जेड एक्सिस पर है। तो ये जो टेन थीटा मैंने मान रखा है कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया मेरा कि इमेजिनरी जेड, मतलब इमेजिनरी जेड की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर किसकी वैल्यू ले लेंगे, रियल जेड की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। अब इनसे जो एंगल निकल करके आया उसको मैंने क्या मान लिया कि अल्फा मान लिया, ठीक है ना, इनसे जो वैल्यू निकल करके आई उसको मैंने क्या माना, अल्फा माना। जब ये इस साइड आएगा ना तो कोई एंगल भी तो आएगा सिंप्लीफाई करने पे, उसको मैंने अल्फा कंसीडर किया हुआ, क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब होंगे तो बच्चों और क्लियर होगा, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू, जय हिंद।